हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स के यूज के बारे में, जिसे इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्टिव केस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे वो सभी स्टूडेंट जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या स्पोकन इंग्लिश में मास्टर एक्सपर्ट होना चाहते हैं या ग्रामेटिकली साउंड बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप भी इन वर्ड्स को लेकर जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं इनको लेकर कंफ्यूज हैं, इनका यूज कैसे होता है सेंटेंसेस में, आप कंफ्यूजन फील करते हैं या इनका हिंदी वर्ड्स में मीनिंग क्या है, उनका हिंदी में कैसे यूज किया जाता है, इसमें कंफ्यूज पाते हैं अपने आप को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपके सभी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा और साथ ही साथ इस वीडियो को, इस ऑब्जेक्टिव के यूजेस को बहुत क्लैरिटी के साथ आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये है हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट एंड मार्गदर्शक गुरु जी। दोस्तों, मैं आपको समझाना शुरू करूं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उनका सेंटेंसेस में यूज कैसे किया जाता है, हिंदी सेंटेंसेस में उन्हें कैसे पहचाना जाता है। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स आपके लिए, आप कितना समझ पाते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, कितना समझ पाते हैं ऑब्जेक्टिव केस को, आइए कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, देखिएगा जरा। मैंने उन्हें पीटा, मैंने जो सब्जेक्ट का काम करेगा, उन्हें पीटा, उन्हें, इस उन्हें के लिए क्या वर्ड यूज करने वाले हैं आप। राम ने मुझे गाली दी, राम यहां पर सब्जेक्ट है, पर यहां ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो मुझे, तो उस मुझे के लिए क्या वर्ड यूज करने वाले हैं आप। उन्होंने तुम्हें कमेंट किया, उन्होंने यहां पर सब्जेक्ट होगा, दे, तुम्हें कमेंट किया, इस तुम्हें के लिए आप क्या वर्ड यूज करने वाले हैं। मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं यहां पर है सब्जेक्ट आई, उसे पढ़ाऊंगा, उसे, इस उसे ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या वर्ड यूज करने वाले हैं। टीचर हमें पढ़ाता है, टीचर इज अ सब्जेक्ट हियर, हमें पढ़ाता है, हमें ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव केस है, इस हमें के लिए आप क्या यूज करने जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे मतलब आई सब्जेक्ट, तुम्हारी जरूरत है, ये तुम्हारी, ये एक ऑब्जेक्टिव के तरह यूज किया जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, इस तुम्हारी के लिए आप क्या यूज करने वाले हैं। वे हमारी मदद जरूर करेंगे, वे मतलब एक सब्जेक्ट हुआ दे, हमारी मदद, हमारी मतलब यहां ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, हमारी ऑब्जेक्टिव होगा, इस हमारी के लिए आप क्या यूज करने वाले हैं। वे राम को चैलेंज कर रहे हैं, वे मतलब एक सब्जेक्ट हुआ, राम को ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो इसे ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा, तो इस राम को के लिए आप क्या क्या वर्ड यूज करने वाले हैं। वे हमें बेवकूफ समझते हैं, ये जो वे है ना दोस्तों, यहां पर सब्जेक्ट है, हमें, अब ये सब्जेक्ट तो नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट ही होगा, ये ऑब्जेक्टिव्स का काम करेगा, तो इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करने वाले हैं। दोस्तों जरा समझना, यहां पर वर्ड आए उन्हें, मुझे, तुम्हें, उसे, हमें, तुम्हारी, हमारी, राम को, हमें, इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं जिन्हें हिंदी में हम ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे, इंग्लिश में भी बात करें तो ऑब्जेक्टिव उनके लिए वर्ड कुछ आएंगे। तो दो मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा, देखिए आप कितना कर पाते हैं। दोस्तों, आपने क्या उन एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश की, मैं जानता हूं आपने बहुत प्रॉब्लम फील किया होगा, आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में कंफ्यूज हो गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज हुए हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स पे कमांड करना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूं। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह रखे जाते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस। आप जो यहां देख रहे हैं ना दोस्तों बोर्ड पर, आई यू वी दे ही शी इट नेम, इंग्लिश ग्रामर में इसे कहा जाता है सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस, यानी सब्जेक्ट कहा जाता है। सब्जेक्ट मतलब जिससे सेंटेंस से स्टार्टिंग होती है, ये सब्जेक्ट कहलाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या, ऐसे वर्ड्स जिन्हें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। अब ये ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है, थोड़ा इसे समझते हैं दोस्तों, क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस। दोस्तों, सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह यूज किए जाते हैं, पर ये आई का अगर हम मतलब देखें तो आई का मतलब, कहीं कहीं आई को मैं यूज करते हैं, कहीं कहीं मुझे भी यूज किया जाता है, कहीं कहीं मैंने भी यूज किया जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैं बाजार जाता हूं, मैं, आई गो टू मार्केट, मैंने उसे पीटा, मैंने, आई बैट हिम, मैंने, पास्ट सिंपल टेंस में यूज किया, पर आई के लिए वहां मैं यूज नहीं किया गया कि मैं उसे पीटा, नहीं,
मैंने उसे पीटा, तो मैंने के लिए भी आई यूज किया गया सब्जेक्ट के तौर पर। मुझे बाजार जाना चाहिए, मुझे आई शुड गो टू मार्केट, तो इस आई मतलब मुझे के लिए भी आई यूज किया जाता है। समझे आप जरा बात को, आई मैं मुझे या फिर मैंने के लिए यूज किया जाता है। हम आई को ऑब्जेक्ट की जगह नहीं रख सकते। अब जैसे मैं तुमने मुझे पीटा, तो हमने देखा मुझे के लिए हम लोगों ने तो आई यूज किया है, आई शुड गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना चाहिए। अब तुमने मुझे पीटा, इस मुझे के लिए हम लोग आई नहीं रख सकते दोस्तों, इसके लिए आएगा यू बैट मी। मतलब उस आई को ही चेंज किया गया मी में, क्योंकि आई से सब्जेक्ट की जगह आ सकता है। अगर हम आई को मुझे के तौर पे यूज करें तो सब्जेक्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर हम मुझे के तौर पे आई को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो हमें मी बनाना होगा। तो इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में इन सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट के रूप में ट्रांसफर किया गया है, बदला गया है, ताकि इन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जा सके। अगर हमें मी, तुमने मुझे पीटा, यू बैट मी, तुम मुझे गाली दे रहे हो, यू आर अब्यूजिंग मी, तुम मुझे पढ़ाते हो, यू टीच मी, तुमने मुझे पढ़ाया, यू टॉट मी मुझे, इसके लिए हम लोग मी यूज कर रहे हैं। मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखने के लिए उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो परिवर्तन किया जाता है, उसे ही ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। दोस्तों इसके मीनिंग क्या, देखिएगा, मी हम लोग जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे उसका मतलब मुझे भी हो सकता है, मुझको भी हो सकता है, या मेरी भी हो सकता है। हम लोग जब यू को यूज करेंगे तो हम हिंदी में यू को बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह तुम्हें भी बोला जा सकता है, तुमको भी बोला जा सकता है, तुम्हारी भी बोला जा सकता है, आपको भी बोला जा सकता है, आपकी वर्ड भी उसके लिए यूज किया जा सकता है। अगर हम अस को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो उसका मतलब हमें भी हो सकता है, हमको भी हो सकता है, हमारी भी हो सकता है। अगर हम देम को ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं उसका मतलब उन्हें भी हो सकता है, उनको भी हो सकता है, उनकी भी हो सकता है। अगर हम हिम को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो उसका मतलब उसे हो सकता है, उसको हो सकता है, उसकी हो सकता है, पर किसके लिए, किसी लड़के के लिए, आदमी के लिए। शी का मतलब हर का मतलब, सॉरी, हर को अगर ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो उसका मतलब उसे हो सकता है, उसको हो सकता है, उसकी, सेम ऊपर वाले जैसे, बट वो किसी लड़की के लिए, महिला के लिए होगा। इट अगर ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो उसका मतलब या तो यह होगा, या ये होगा, या इसे होगा। नेम, अगर किसी ऑब्जेक्ट की जगह कोई भी नाम आता है तो वो सिर्फ नाम नहीं होगा, वो नेम को हो जाता है। जैसे मतलब आई बीट राम, तो सिर्फ वह राम नहीं होगा, आई बीट राम, मैं राम को पीटता हूं। तो लास्ट में अगर कोई मतलब ऑब्जेक्ट आता है नाम के रूप में, उसे राम को, मोहन को, राज को, इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। दोस्तों यहां तो मैंने आपको हिंदी मीनिंग समझा है, अब आइए वन बाय वन इन सभी ऑब्जेक्टिव केस को एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके माइंड में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना बचे। दोस्तों मैं वन बाय वन सभी ऑब्जेक्टिव्स को समझाऊं, उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो सेंटेंसेस आपको मैंने कुछ समय पहले दिए थे उन्हें ही ट्रांसलेट किया जाए, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी गलतियां क्या थी। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने उन्हें पीटा, देखे मैंने मतलब आई, उन्हें पीटा, पीटने के लिए वर्ब बीट, बीट का सेकंड फॉर्म भी होता है बैट, आई बैट उन्हें। अब देखिए दोस्तों उन्हें के लिए वर्ड क्या है, उन्हें के लिए वर्ड है देम, आई बीट देम, मैंने उन्हें पीटा, तो मतलब आई बीट देम, ये था उन्हें के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, राम ने मुझे गाली दी, तो पहले राम ने गाली दी, राम अब्यूज्ड, पास्ट सिंपल टेंस, राम अब्यूज्ड, मुझे लगाया मैंने मी, क्यों, क्योंकि मुझे के लिए आता है मी ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहां लगाया मैंने मी, तो मतलब ये मुझे के लिए ऑब्जेक्टिव केस था हमारा मी, राम अब्यूज्ड मी। उन्होंने तुम्हें कमेंट किया, उन्होंने, उन्होंने के लिए आता है दोस्तों दे, तुम्हें कमेंट किया, कमेंट किया, कमेंट किया, पास्ट सिंपल टेंस है तो आया कमेंटेड, तुम्हें, उसके लिए वर्ड यूज किया यू, क्यों, क्योंकि तुम्हें के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में यू आता है, सो दे कमेंटेड यू, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हुआ। मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं मतलब आई, उसे पढ़ाऊंगा मतलब आई शैल टीच, पढ़ाऊंगा उसे, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। अब देखिए उसे लड़के के लिए भी यूज करते हैं, उसे लड़की के लिए भी यूज करते हैं, तो हमने उसे के लिए हिम और हर, कोई भी लड़का होगा तो हिम यूज करेंगे, लड़की होगी तो हर यूज करेंगे। दोस्तों आगे देखिए, टीचर हमें पढ़ाता है, टीचर हमें पढ़ाता है,
तो टीचर पढ़ाता है, मतलब टीचर टीचर्स हमें पढ़ाता है, तो हमें के लिए वर्ड क्या है जरा देखिएगा, हमें के लिए अस, ये लगा दिया हम लोगों ने अस, तो टीचर टीचर्स अस, तो ये हमें के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस, समझना। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे मतलब आई, जरूरत है मतलब नीड, तुम्हारी, तुम्हारी के लिए क्या वर्ड यूज होगा देखिएगा, तुम्हारी, तुम्हारी के लिए वर्ड होगा यूज यू, सो आई नीड यू, तो ये यू क्या है, तुम्हारी के लिए वर्ड, ठीक है। वे हमारी मदद जरूर करेंगे, शॉर्ट में लिखूंगा दोस्तों, दे विल हेल्प, हमारी, हमारी के लिए वर्ड क्या था, ये देखिए हमारी, हमारी के लिए वर्ड है अस, दे विल हेल्प अस श्योरली, जरूर, ये अस वर्ड आया, दे विल, तो ये हमारी मदद करेंगे, हमारे के लिए अस आया, दे विल हेल्प अस श्योरली, मतलब पक्का जरूर मदद करेंगे। वे राम को चैलेंज कर रहे हैं, वे राम को, जरा देखिएगा दोस्तों क्या बनेगा, दे राम को, सो दे आर चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंजिंग क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, दे आर चैलेंजिंग राम को, तो मैंने लिखा राम डायरेक्ट, या टू राम भी लिख सकता हूं, सो आर दे आर चैलेंजिंग राम, वे राम को, तो इस राम के लिए सिर्फ राम वर्ड आया यहां पर, इस राम के लिए हिंदी में मीनिंग होगा राम को। नेक्स्ट, वे हमें बेवकूफ समझते हैं, वे हमें बेवकूफ समझते हैं, तो बनाया मैंने लिए दे समझते हैं, तो दे अंडरस्टूड, दे अंडरस्टूड अस फूल, वे समझते हैं, उन्होंने समझा नहीं, सॉरी अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, दे अंडरस्टैंड अस फूल, वे हमें समझते हैं, हमें, हमें के लिए वर्ड आया अस, तो ये जो हमें है उसके लिए वर्ड आएगा अस, ये ऑब्जेक्टिव केस है सेंटेंस का। आइए दोस्तों अब डिटेल में, मी यू अस देम हिम हर इट, और इनके यूजर्स देखना शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम इन ऑब्जेक्टिव्स के यूजेस को वन बाय वन बाय एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। पहले, सबसे पहले हम मी को देखते हैं, मी का मतलब होता है मुझे, मुझको या मेरी, जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है। देखिए यहां मैं एग्जांपल लिखे हुए हैं, दे बीट मी, वे मुझे पीटते हैं, मुझे, तो मी ऑब्जेक्ट की जगह आया, ऑब्जेक्टिव्स के रूप में ऑब्जेक्ट की जगह आया, ठीक है। दे बीट मी, उन्होंने मुझे पीटा, या वे मुझे पीटते हैं, दोनों तरह से हम बोल सकते हैं। ही कैन गिव मनी टू मी, ही कैन गिव, वह दे सकता है मनी, पैसा, टू मी, मुझे, वह मुझे पैसा दे सकता है। ही इग्नोर्स मी, वह मुझे इग्नोर करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ही इग्नोर्स मी, वह मुझे इग्नोर करता है, मी आया ऑब्जेक्टिव के रूप में। शी नीड्स मी, जरा समझना, शी नीड्स मी, उसे मेरी जरूरत है, मी आया मेरी, जरा समझना, मी का मतलब मुझे के लिए भी होता है, मुझको के लिए भी होता है, मेरी के लिए भी होता है, कैसे समझेंगे हम, देखिए मुझे, ही कैन गिव मनी टू मी, वह मुझे पैसे दे सकता है। दे बीट मी, वे मुझे पीटते हैं, यहां पर मुझे हो रहा है। ही इग्नोर्स मी, वे, वह मुझको इग्नोर करता है या मुझे इग्नोर करता है, बात तो एक ही है। शी नीड्स मी, उसे मेरी जरूरत है। ही नीड्स मी, मेरी मतलब मी, मुझे, मुझको या मेरी, तीनों सेंस में यूज किया जाता है। दूसरा, हम यू के यूज को समझेंगे, यू ऑब्जेक्टिव के, जिसका मतलब होता है तुम्हें, तुमको, तुम्हारी, इसके साथ ही आपको और आपकी, इस तरह वर्ड भी यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुम्हें, यू का मतलब क्या है, तुम्हें वाले से, ठीक। दे टॉट यू इंग्लिश, उन्होंने सिखाई या उन्होंने पढ़ाया तुमको इंग्लिश, उन्होंने तुमको इंग्लिश पढ़ाया या उन्होंने तुमको इंग्लिश सिखाई, समझ में आया, उन्होंने तुमको, तो यू तुमको के सेंस में भी यूज हो सकता है, या उन्होंने तुम्हें इंग्लिश सिखाई, तुम्हें, तुम्हें के सेंस में भी यूज हो सकता है, तो यू यहां तुमको या तुम्हें के सेंस में आया हुआ है। राम ऑलवेज एक्सप्लेन्स यू, राम ऑलवेज, राम हमेशा एक्सप्लेन्स, समझाता है यू, तुम्हें, राम हमेशा तुम्हें समझाता है, यह आया तुम्हें के सेंस में, या फिर तुमको, राम तुमको हमेशा समझाता है। ही नीड्स यू, उसे जरूरत है तुम्हारी, तो ये जो यू है वो तुम्हारी के लिए भी यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के सेंस में। ही नीड्स यू, उसे तुम्हारी जरूरत है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अस, जिसका मतलब होता है हमें, हमको या फिर हमारी, देखते हैं। मैंने टीचर इज टीचिंग अस, टीचर इज टीचिंग अस, टीचर पढ़ा रहा है अस हमें,
या फिर हमको, टीचर हमें पढ़ा रहा है या टीचर हमको पढ़ा रहा है, तो इसका दोनों मतलब हमें या हमको यूज हो रहा है। मोहन मॉक्स, मॉक्स मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है। सो मोहन मॉक्स, मोहन मजाक उड़ाता है अस हमारा, तो मोहन हमारा या हमारी वाले सेंस में भी यूज होगा, ठीक। मोहन हमारा मजाक उड़ाता है, ठीक। शी इग्नोर्स अस, वह हमें इग्नोर करती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, वह हमें इग्नोर करती है, हमें वाला सेंस। दे कैन कमेंट अस, वे हमें कमेंट कर सकते हैं, दे मतलब वे, कैन कर सकते हैं, कमेंट मतलब कमेंट, वे हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मतलब हमें कमेंट कर सकते हैं। यू नीड अस, तुम्हें हमारी जरूरत है, यहां पर अस हमारी वाले सेंस में आया, हमारी, ठीक है। तो इस तरह के दोस्तों अगला ऑब्जेक्टिव है देम, जिसका मतलब होता है उन्हें, उनको या उनकी। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई अंडरस्टैंड देम, मैं उन्हें समझता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई अंडरस्टैंड देम, देम मतलब उन्हें या उनको, ये उन्हें या उनको। वी स्लैप्ड देम, हमने उन्हें पीटा, वी स्लैप्ड हमने उन्हें थप्पड़ मारा, सॉरी हाँ, हमने थप्पड़ मारा, देम मतलब उन्हें, उन्हें या उनको, हमने उनको थप्पड़ मारा, हमने उन्हें थप्पड़ मारा। राम मीट्स देम, राम को जरूरत है, देम मतलब उनकी, उनकी जरूरत है, उनकी के लिए भी देम यूज होता है। माय फादर एक्सप्लेन्ड देम, मेरे पापा ने उन्हें समझाया, या मेरे पापा ने उनको समझाया, उन्हें, उनको या उनकी के लिए वर्ड यूज किया जाएगा देम ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हिम, जिसे यूज किया जाता है उसे, उसको या उसकी के सेंस में, पर किसके लिए, किसी लड़के के लिए, एक लड़के के लिए, किसी आदमी के लिए, एक आदमी के लिए, समझना है कैसे। आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करता हूं, या मैं उसको नफरत करता हूं, या मैं उसे नापसंद करता हूं, उसे या उसको, ये हिम उसे या उसको के लिए बनाया गया। यू स्लैप्ड हिम, तुमने थप्पड़ मारा, हिम उसे या उसको, तुमने उसको थप्पड़ मारा या तुमने उसे थप्पड़ मारा, ये हिम उसे या उसको के लिए यूज किया गया। सीता लाइक्स हिम, सीता पसंद करती है, हिम मतलब उसे, किसी लड़के को, ये सब लड़कों के लिए यूज हुआ है या किसी आदमी के लिए यूज हुआ है। सो सीता लाइक्स हिम, सीता उसे पसंद करती है। दे कमेंट हिम, वे उसे कमेंट करते हैं, वे उसे कमेंट करते हैं, तो वे उसे, उसे के सेंस में या उसको कमेंट करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हर, हर का मतलब होता है उसे, उसको या उसकी के लिए, जो यूज किया जाता है किसी एक लड़की के लिए या किसी एक महिला के लिए, कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। राम लाइक्स हर, हर किसके लिए, लड़की के लिए। राम लाइक्स हर, राम पसंद करता है उसे या उसको, राम उसको पसंद करता है, किसको, किसी लड़की को। दे कॉल्ड हर, उन्होंने उसे कॉल किया या उन्होंने उसे बुलाया, कॉल माने बुलाना भी होता है, उन्होंने उसे बुलाया, तो उसे किसके लिए यूज किया गया, लड़की के लिए। टीचर इज टीचिंग हर, टीचर पढ़ा रहा है, हर मतलब उसे या उसको, टीचर उसको पढ़ा रहा है, उसको मतलब किसको, किसी लड़की को या किसी महिला को। आई नीड हर, मुझे उसकी जरूरत है, आई नीड मुझे जरूरत है, हर मतलब उसकी, उसकी मतलब कौन, कोई लड़की होगी क्योंकि हर यूज हो रहा है। आई नीड हर, मुझे उसकी जरूरत है। दोस्तों अगला ऑब्जेक्टिव है इट, जिसका हिंदी मीनिंग है यह, इसे या ये, जरा समझना, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक इट, मैं यह सोचता हूं, इट का मतलब यहां यह, या मैं इसे सोचता हूं, मतलब इसे मतलब कोई थॉट के बारे में, मैं यह सोचता हूं या इसे सोचता हूं, या फिर मैं ये सोचता हूं, ये, यह या इसे, इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं इट के लिए। यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, तुम यह समझ रहे हो, यू आर तुम समझ रहे हो, इट मतलब यह, तुम यह समझ रहे हो, या तुम इसे समझ रहे हो, या तुम ये समझ रहे हो, शॉर्ट में बोलते हैं जब हम लोग। यू नीड इट, तुम्हें इसकी जरूरत है, इसकी मतलब मोबाइल हो सकता है, पेन हो सकता है, कुर्सी हो सकती है, टेबल हो सकती है, कोई नोटबुक हो सकती है, कोई एनर्जी वस्तु के लिए यूज हुआ है। यू नीड इट, तुम्हें इसकी जरूरत है, इसकी मतलब इसकी वर्ड भी यूज हो सकता है। देन आगे बात करें, वी कैन लर्न इट इजीली, वी कैन हम सकते हैं, लर्न सीख सकते हैं, इट यह हम यह आसानी से सीख सकते हैं, या हम इसे आसानी से सीख सकते हैं, या हम ये आसानी से सीख सकते हैं, किसी बात को इंडिकेट करने के लिए किया गया है इट का मतलब, ठीक। दे विल टीच इट टू अस, यहां दो ऑब्जेक्टिव यूज हुए हैं, इट और अस, जैसे समझना।
दे विल टीच इट, वे पढ़ाएंगे इट, यह, वे यह पढ़ाएंगे टू अस, हमें, वे यह हमें पढ़ाएंगे। यहां पर दो ऑब्जेक्टिव है, इट भी यूज हो रहा है, अस भी यूज हो रहा है, पर हम इट को, इट के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इट को समझाऊंगा। तो वे यह पढ़ाएंगे हमें, ठीक है। आगे दोस्तों, अगले ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो अगला ऑब्जेक्टिव है नेम, जिसमें राम को, रोहन को, सीता को, राधा को, इस तरह से इंडिकेट होगा अगर कोई नाम ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है। कैसे समझते हैं, आई हेट राम, मैं राम को नफरत करता हूं, या मैं राम से नफरत करता हूं, दोनों के लिए हम लोग आई हेट राम यूज करेंगे। ही इग्नोर्ड रोहन इन द कॉलेज, ही इग्नोर्ड, उसने इग्नोर किया रोहन को इन द कॉलेज, कॉलेज में उसने रोहन को कॉलेज में इग्नोर किया, नजरअंदाज किया रोहन को। वी टॉट रोहित, समझना दोस्तों, वी टॉट रोहित, हमने रोहित को पढ़ाया, रोहित को पढ़ाया, रोहित रोहित नहीं रहेगा, रोहित को। आई नीड बाहुबली, मुझे बाहुबली की जरूरत है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है ना दोस्तों। इस वीडियो में मैंने डिटेल में सभी ऑब्जेक्टिव्स को यूज करने की कोशिश की है, सभी के एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की है, इसके बावजूद भी कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बना सकूं और आपको सभी चीजों में एक्सपर्ट बना सकूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी इन्हें शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच।